नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। मित्रों, पिछली क्लास में हमने आपसे रेशियोज के बारे में चर्चा की थी, तो आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम लोग एनपीएस को देखेंगे। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यहाँ पे छोटा एस इसीलिए लगा है ताकि ये प्लूरल हो जाए, एसेट्स बोला जाए। अगर हटा देंगे तो एसेट ही बोलेंगे। हिंदी में इसे कहा जाता है मित्रों गैर निष्पादन परिसंपत्तियां। क्या है, आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा पे ध्यान देते हैं हम लोग। बैंकों द्वारा दिए गए ऋण पर अर्थात लोन्स पर ब्याज और मूलधन की वापसी अगर 90 दिनों तक ध्यान दीजिएगा तक नहीं हो पाती है तो उसे एनपीए कहा जाता है। मान लीजिए कि आपने लोन लिया और 3 महीने तक आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट, कोई भी इंटरेस्ट बैंक को नहीं पहुंचाया, ना ही आपने मूलधन जो आपने लिया था वो पहुंचाया, तो बैंक मैनेजर साहब क्या करेंगे कि आपके ऋण को एनपीए डिक्लेयर कर देंगे, एनपीए घोषित कर देंगे। 90 दिन तक वो नहीं डिक्लेयर करेंगे, बात समझ रहे हैं आप। अभी मैं आगे चर्चा करूंगा तो थोड़ा सा रुकिए आप, पहले इतनी बात आप क्लियर कर लीजिए कि 90 दिन तक नहीं करेंगे, 90 दिनों तक नहीं करेंगे, 90 दिन से अधिक हो जाएगा तो आपके लोन्स को वो क्या कर देंगे, एनपीए घोषित कर देंगे। आईएमएफ के अनुसार एनपीए किसी भी बैंक का कुल ऋण के 3% से कम होना चाहिए, 3% से कम होना चाहिए। और भारत में ये अभी अगर मैं करंट की बात करूं तो ये 6% से थोड़ा सा कम, 5.9% है। यानी कि जो हमारे यहां समस्या है एनपीए की वो बहुत ज्यादा बड़ी है, बात क्लियर हुई। लेकिन अभी ये जो 5.9% है ये पिछले 6 सालों में सबसे लोएस्ट है, बात क्लियर हुई आपको। और मार्च 2023 तक 5.3% तक रहने की संभावना आरबीआई द्वारा जताई गई है। अब वो भविष्य के गर्त में छुपा है कि 5.3% तक रहेगा या नहीं रहेगा, और ये बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ, क्योंकि आईएमएफ के अनुसार 3% से कम होना चाहिए, हमारे यहाँ अभी वर्तमान में 5.9 है। और अगर ये 5.3 हो भी जाता है मार्च 2023 तक, तब भी क्या है, बड़ी समस्या है। तो हम लोग बड़ी मात्रा में एनपीए से प्रभावित है। अब एनपीएस होता क्या है, इसमें सबसे जो प्रमुख योगदान होता है वो बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों का होता है ज्यादातर। जैसे आपने सुना होगा कि विजय माल्या और नीरव मोदी, दो महानुभाव हमारे यहाँ के थे, विजय माल्या और नीरव मोदी, इन दोनों ने मिलकर 22,000 करोड़ का चूना लगाया है बैंकों को। कितने का? 22,000 करोड़ रुपए का। अब इसमें बहुत सारे जो है पॉलिटिशियन, अधिकारी, ये सब भी इन्वॉल्व होते हैं, लोन पे लोन दिए जाते हैं उनको, तो ये सब समस्याएं होती हैं। आपने अभी देखो एक मूवी आई थी महेश बाबू जी की, में दिखाया गया है, अब उसका नाम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो तेलुगु नाम है, मैं सही प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पाऊंगा। उसमें एनपीए से रिलेटेड सारी चीजों को दिखाया गया है कि कैसे क्या क्या साठगांठ होती है। खैर, तो इन्होंने कितने का चूना लगाया है, 22,000 करोड़ का। लेकिन ये भी जो है वो एनपीए का एक छोटा सा हिस्सा है। 22,000 करोड़ रुपए एनपीए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये बहुत बड़ी राशि नहीं है, ये उस एनपीएस का बहुत छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है। और ये वास्तव में जो एनपीएस की समस्या है हमारे यहाँ, ये कई लाख करोड़ के आंकड़े में है। तो ये तो 22,000 करोड़ की ही बात हो रही है यहाँ पे।
एमएसएमई सेक्टर का भी योगदान है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर का योगदान कारपोरेट घरानों की तुलना में कम है। बात क्लियर हुई? अब आइए मैं जो आपको बता रहा था उस पर ध्यान देते हैं कि 90 दिनों तक एनपीए नहीं होता है, तो कोई भी ऋण एनपीए होने से पहले निम्न अवस्थाओं से गुजरता है। तो लिख लीजिएगा ये लाइन जो मैंने बोली। तो एक अवस्था ये है, इसको हम लोग कहते हैं SMA 0। अब इसमें क्या होता है कि 1 से 30 दिन का विलंब अगर हो जाए तो उसको कहा जाता है SMA 0। दूसरा होता है आपका SMA 1। SMA 1 इसमें 31 से 60 दिनों तक अगर विलंब होगा तो उसे SMA 2 बोला जाएगा। तीसरा है आपका वन बोला जाएगा SMA 2। यहाँ पे 61 से 90 दिनों तक अगर विलंब होता है उसे SMA 2 खाते में रखा जाएगा। और चौथा आपका वही होता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये 90 दिन से अगर अधिक का विलंब हो जाए, 90 दिन से अधिक, तो उसको NPA बोला जाएगा। अगर 1 से 30 दिन तक का विलंब आपने किया है तो SMA 0 है। SMA 1 कब होगा? 31 से 60 दिन तक अगर विलंब हुआ है। SMA 2 61 से 90 दिन तक के विलंब के लिए बोला जाएगा, और 90 दिन से अगर अधिक हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका NPA हो जाएगा। RBI ने ये सब इसलिए शुरू किया ताकि उसको ये पता रहे ये सब कैसे चल रहा है। बैंकों पर क्या होता है कि इन सब चीजों का दबाव बनता है। कई बार बैंक पहले क्या किया करते थे कि ऋणों को क्लियर करने के लिए नया ऋण दे देते थे। जैसे मान लीजिए कि आपने 5,000 का ऋण लिया है, आप नहीं क्लियर कर पा रहे, NPA बन गया, फिर बैंक आपको 10,000 रुपए दे देगा और कहेगा कि ये 5,000 पुराना वाला जो है वो क्लियर कर दो आप। तो इसे क्या कहा जाता है कि विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। RBI ने इस पर रोक लगा दी कि आप ये सब नहीं कर सकते हैं। आपने उसी आदमी को दोबारा ऋण कैसे दे दिया जिसने पिछला भुगतान ही नहीं किया था? अब आप एक बात ये सोच रहे होंगे कि SMA है क्या, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है स्पेसिफिकली मेंशनड अकाउंट। ये सब उसमें जो प्रक्रियाएं हैं उसमें बैंकों को करना पड़ता है। विशेष रूप से वर्णनीय खाते हैं ये लोग, जो SMA 0 है, SMA 1 है, SMA 2 है, ये सब क्या है? स्पेसिफिकली मेंशनड अकाउंट है। तो ये काम करना पड़ता है। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग कि NPA की समस्या गंभीर होने से क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो NPA की समस्या गंभीर होने से बैंकों पर पड़ने वाले प्रभाव नंबर 1, बैंक के एसेट्स की वैल्यू घट जाती है। दूसरी बात, बैंकों के शेयर डाउन होने लगते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे शेयर डाउन होने लगते हैं। तीसरी बात है कि जमाकर्ताओं का बैंक के प्रति विश्वास कमजोर हो जाता है। तो जमाकर्ता है उनका क्या हो जाएगा? बैंकों के प्रति विश्वास कमजोर हो जाता है। अब जब विश्वास कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा कि बैंकिंग रन जैसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। बैंकिंग रन का क्या मतलब है? बैंकिंग रन का मतलब ये नहीं है बैंकों का भाग जाना, ठीक है? बैंकिंग रन का मतलब यहाँ पे आपको ये नहीं समझना है बैंकों का भाग जाना, जब इसका मतलब है बैंकों की ओर भागना। तो जो लोग अवेयर होते हैं उनको NPA शब्द के बारे में जानकारी होती है, जो थोड़े बहुत भी अवेयर हैं। अरे भाई, जब मिर्जापुर के कालीन भैया को पता है तो जो अवेयर होगा उसको तो पता ही रहेगा। वो बहुत डिटेल में भले ही ना जानता हो, परंतु इतना तो जानता ही है कि बैंकों का पैसा वापस नहीं आ रहा है। वो क्या हो जाएगा? फिर अधीर हो जाएगा। अब ऐसे ढेर सारे लोग अधीर हो जाएंगे, क्योंकि जानकारी तो लगभग सबको ही होती है, क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड है। तो वो बैंकों की ओर क्या कर देंगे? लोग भागना शुरू कर देंगे। बात क्लियर हुई?
अब जब बैंकों की ओर वो भागना शुरू कर देंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। और साथ ही साथ अब ये भी नियम है कि बैंकों की ओर से आपको सिर्फ 5 लाख रुपए की गारंटी मिलती है, पहले ये 1 लाख रुपए की थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपए। अर्थात मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने 20 लाख की FD किसी बैंक में करवा रखी है, तो बैंक के डिफॉल्ट होने पर आपको सिर्फ कितने मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे, 15 लाख की चपत हो जाएगी आपकी भाई साहब, 15 लाख की नुकसान हो गया, चपत हो गई, जो भी आप कहें, 5 लाख आपको मिलते हैं। और ये जो 5 लाख रुपए की गारंटी है ये कौन देता है, तो रिजर्व बैंक की एक कंपनी है, रिजर्व बैंक की, क्योंकि सारे बैंक किसके सुपरविजन में काम करते हैं, रिजर्व बैंक की, तो रिजर्व बैंक की एक कंपनी है जिसको कहा जाता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये इसकी तरफ से दी जाती है। अगर कोई बैंक आपका डिफॉल्ट हो गया तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की तरफ से आपको ये गारंटी दी जाती है, कॉरपोरेशन, वो मैंने फालतू लगा दिया है, COR कॉरपोरेशन, इसकी तरफ से ये गारंटी मिलती है। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो बैंकों के दिवालिया होने का इंतजार थोड़ी करेगा, पैसे निकालना शुरू कर देगा। अब ऐसे ढेर सारे लोग भागना शुरू कर देंगे बैंकों की तरफ, तो इसी को कहा जाता है बैंकिंग रन। मित्रों बात क्लियर हुई, साथ ही साथ क्या होता है कि बैंक लोन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि NPA बढ़ने से जो है वो उनके पास समस्या हो जाएगी। अब वही तो काम हो रहा है कि वो लोन दे रहे हैं, लोन वापस ही नहीं आ रहा है, तो नया लोन कैसे दे पाएंगे। अब जब NPA बढ़ जाता है तो उसके साथ ही साथ GDP पर भी क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, GDP पर भी क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है। अब आइए देखते हैं कि भारत में जो NPA की समस्या है उससे निपटने के क्या उपाय किए गए हैं। NPA की समस्या से निपटने के उपाय, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, समस्या से निपटने के उपाय, निपटने के उपाय। नंबर एक है आपका DRT, पूरा नाम है इसका डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये अस्तित्व में कब आया, ये 1993 में अस्तित्व में आया। और इसका कार्य जो है मित्रों वो है ऋण वसूली संबंधित मामलों की सुनवाई करना। ट्रिब्यूनल का मतलब न्यायाधिकरण होता है, संबंधित मामलों की सुनवाई करना। तो आप देख रहे हैं ना, 1993 मामलों की सुनवाई करना, अर्थात NPA की समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। 1993 में जब ये DRT बनाया गया है तो NPA की समस्या से निपटने के लिए तो बनाया गया है, अर्थात NPA की समस्या पुरानी है, आज की कोई नई समस्या नहीं है। दूसरी चीज है आपका सरफेसी एक्ट 2002, इसके अंतर्गत क्या होता है कि बैंक अपने NPAs ARCs, इसका पूरा नाम पहले मैं आपको बता देता हूं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को सेल कर सकते हैं। इस तरीके की कई सारी कंपनियां होती हैं जो बैंकों के NPAs को क्या कर लेती हैं, खरीद लेती हैं। अभी भी मुझे लगता है आपको कम समझ में आया होगा। उदाहरण से समझाता हूं आपको, जैसे मान लीजिए कि बैंक का NPA 80 करोड़ रुपए का है और बैंक इसे नहीं वसूल पा रहा है, तो ये जो कंपनियां होंगी वो बैंकों को ऑफर देंगी। अभी इन कंपनियों में भी बिडिंग वगैरह का प्रोसेस होता है, जैसे 80 करोड़ का NPA है तो कोई कंपनी कहेगी बैंकों की 40 करोड़ ले लो, कोई कहेगी 35 करोड़ ले लो, कोई कहेगा 50 करोड़ ले लो। तो 50 करोड़ पर मान लीजिए बैंक
ऑब्वियस सी बात है सहमति दे देगा भाई, उसको अन्य कंपनियों की तुलना में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं ना, कोई 30 दे रहा है, कोई 35, कोई 40, तो जो 50 देगा ऑब्वियस सी बात है उससे वो कहेगी कि ठीक है आप यही ले लो, तो वो कहेगा कि आप 50 करोड़ ले लो, मान लो 50 करोड़ वाले पे बात फाइनल हो गई, तो और अपने ऋण को क्या कर लो आप, रिकंस्ट्रक्ट कर लो, अपने ऋण को रिकंस्ट्रक्ट कर लो आप भाई, उसको 80 करोड़ का नुकसान हो रहा था, इस तरीके से क्या होगा कि 50 करोड़ पा जाएगा, तो कम से कम 50 करोड़ तो उसके हुए, कहां 80 करोड़ नहीं निकल के आ रहे थे, अब तो कम से कम एटलीस्ट 50 करोड़, इसी को कहते हैं भागे भूत की लंगूटी ही सही, फिर आपका मामला साफ हो जाएगा, ये जो ARCs होंगी जो 50 करोड़ दे रही हो कहेगी कि आप 50 करोड़ लो, आपका काम खत्म, इस ऋण को हम वसूलेंगे, अगर नहीं वसूल पाए तो जो नुकसान हुआ हम उठा लेंगे, ये चीज होता है इसमें मित्रों। आइए अगला देखते हैं, और इसके बाद में भी कई सारे प्रावधान लाए गए हैं, कई सारे उपाय किए गए हैं, लेकिन RBI ने सबको नल एंड वाइट कर दिया, तो अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, जैसे आपका S4A हो गया, ये सब भी आया था लेकिन RBI ने उसको हटा दिया। तीसरा IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो सबसे पहले आइए इन्हीं दोनों शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं। इंसॉल्वेंसी का क्या मतलब होता है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखने वाला नहीं। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति या कंपनी अपने बकाया ऋण को चुकाने में असमर्थ होती है, तो इसे कहा जाता है इंसॉल्वेंसी। ये बात क्लियर हो गई आपको, मुझे उम्मीद है। बैंकरप्सी का क्या मतलब है, बैंकरप्सी भी ऐसी स्थिति होती है कि जब किसी सक्षम न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति या संस्था को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। बात क्लियर हुई, सक्षम न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी न्यायालय हैं वो आपके सक्षम न्यायालय होते हैं, उनके द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकता हूं ना मैं, यह किसी कंपनी अथवा व्यक्ति द्वारा ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता की कानूनी घोषणा है। भाई जो न्यायालय है वो कानून से चलेंगे ना, तो जब वो घोषित कर दिए तो इसका मतलब कानूनी घोषणा हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब आइए यहाँ पे ध्यान देते हैं IBC के बारे में। तो इसे वर्ष 2016 में अधिनियमित किया गया। 2020 में इसे संशोधित भी किया गया था, जिसपे हंगामा भी हुआ था। बहरहाल मैं हंगामे पर नहीं जा रहा हूं। तो यह काम क्या करता है, यह व्यवसायिक फर्मों के दिवाला समाधान से संबंधित विभिन्न कानूनों को समाहित करता है। इसमें ऋणों की समस्या का समाधान 330 दिन के अंदर किया जाता है। कितने दिनों के अंतर्गत किया जाता है मित्रों, 330 दिन के, एक निश्चित समयावधि है, इसके अंतर्गत ही ऋणों की समस्या का समाधान किया जाता है। अब प्रश्न आप ये सोच रहे होंगे कि अगर 330 दिन के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। यदि 330 दिन के अंदर या में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो संबंधित व्यवसायिक संस्थान को विघटित कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है और लेनदारों का धन चुकाया जाता है। अगर नहीं हो पा रहा है तो
तो फिर क्या काम करेंगे? उसको बंद कर देंगे, उसको टेक ओवर कर लेंगे। फिर उससे क्या काम करेंगे कि लेनदारों का धन चुका देते, चुकाया जाता है, पूरा लिख देता हूं। तो ये है आपका आईबीसी के बारे में मित्रों, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये है 330 दिन के भीतर समस्या का समाधान। तो एक हिसाब से थोड़ा सा त्वरित कार्रवाई की भी आवश्यकता है हमें, 330 दिन वो भी आपका थोड़ा सा ज्यादा समय ही है तुलनात्मक रूप में, और वैसे ये बढ़ाया गया है तब जाके 330 दिन हुआ है। तो इसके पहले मुझे याद है कि 270 दिन हुआ करता था ये, फिर इसे बढ़ा दिया गया है 330 दिन। अब हो सकता है भविष्य में और बढ़ जाए, क्योंकि समय भी लग जाता है कई बार, क्या होता है वो सब जब होगा जो अर्थात भविष्य के गर्त में छिपा है उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं होती है, कभी भी तनाव नहीं लिया जाता है। अगला जो उपाय है हमारा वो है हमारा रिवाइज्ड पीसीए। पीसीए का पूरा नाम है मित्रों प्रॉम्प्ट कोरेक्टिव एक्शन, हिंदी में कहेंगे इसको त्वरित या शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई, ऐसे लिखा जाता है, ये यावा नहीं लगाते हैं। तो आरबीआई ने क्या काम करा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के ढांचे को संशोधित कर दिया है, रिवाइज्ड कर दिया है, और इसके जो प्रावधान है वो 1 जनवरी 2022 करेक्ट लिखा है। तो अब आइए ध्यान देते हैं कि ये कोई जो बैंक होते हैं वाणिज्यिक बैंक, इस सूची में आते कब हैं। तो नंबर एक, यदि बैंक का CRAR, जिसकी चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं, CRAR कम हो जाता है 9% से कम अगर हो जाए, ये 9% 10% ये आपको ध्यान नहीं रखना है, कुल मिला के जब ये CRAR आपका कम हो जाता है तो RBI उसको उसमें डाल देता है। और साथ ही साथ दो तीन बातें, जो शुद्ध NPA है आपका ये बढ़ जाए, NPA बढ़ जाए, अभी वर्तमान स्थिति में अगर 10% से अधिक हो जाए तो। तीसरी बात है ROE, वो छोटा सा रिटर्न ऑन इक्विटी, ये क्या हो जाए, ये आपकी कम हो जाए। तो जब ये इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो RBI वाणिज्यिक बैंकों को किसमें डाल देता है, PCA में डाल देता है, PCA की जो लिस्ट है उसमें डाल देता है। और जब बैंक इस सूची में आ जाते हैं तो RBI बैंकों के लेन देन पर विभिन्न प्रकार का प्रतिबंध लगा देता है। अब वो प्रतिबंध कितने प्रकार के होते हैं वो जानना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो NPO को रोकने के लिए लाई गई है, ये पहली बार लाई गई है हमारे भारतवर्ष में, इसको कहा जाता है बैड बैंक NARCL, इसका फुल फॉर्म भी मैं लिख देता हूँ, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसे कब लाया गया, 2021 में लाया गया, पहली बार लाया गया मित्रों। और बजट के दौरान माननीय जो हमारी वित्त मंत्री साहिबा हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा बजट में प्रावधान किया गया था बैड बैंक की, पहली बार ये संकल्पना है, इसके पहले बैड बैंक का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं। अभी ध्यान देते हैं हम लोग, अभी हमने आपको किस एक्ट के बारे में बताया था, हमने आपको बताया था सरफेसी एक्ट 2002 के बारे में बताया आपको कि बैंक अपने NPAs को ARCs को बेच सकते हैं। अब ARCs जो होती हैं ये बड़े लोन को नहीं वसूलती हैं, ये छोटे मोटे वसूलती हैं, जैसे किसी बैंक का 10 लाख 20 लाख का NPA है तो उसको वसूलेंगे, जबकि ये जो NARCL है ये 500 करोड़ से अधिक के NPA वसूलेगी। बात क्लियर हुई आपको, वो 10 लाख 20 लाख 25 लाख इस तरीके के NPAs को कौन वसूलता था, ARCs वसूलती थी, जबकि ये जो NARCL ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ये जो है ये 500 करोड़ से अधिक के NPAs को वसूलेगी। अब इसको समझते हैं कि यह है क्या वास्तव में बैड बैंक।
तो सरल शब्दों में कहा जाए अगर तो ऐसा बैंक जो बुरे ऋणों को खरीदता है, बुरे ऋणों को अर्थात एनपीएस को, बुरे ऋणों को स्ट्रेस्ड एसेट एनपीएस हो गया, बैड लोन्स हो गया, ये सब एक ही बात है। एनपीए में कुछ भी आप एनपीए कह दीजिए, सारा का सारा मतलब हो जाता है। बुरे ऋणों को क्या करता है, खरीदता है। किससे खरीदता है, बैंकों से। उसे क्या कहा जाता है, बैड बैंक कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई आपको। इसको एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका बैड बैंक है, बैड बैंक है, और ये सब इसके बैंक है चारों ओर जो भी ए बी सी डी मान लो, तो ये सब अपना एनपीएच इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ये सबका एनपीएच अपने में ले लेता है, अवशोषित कर लेता है, आप ऐसा समझिए। ठीक, और कोई मान लो डी बना दिया यहाँ पे, ये भी अपना एनपीएस, सारे के सारे एनपीए अपना इसको ट्रांसफर कर देंगे। फ्री में करेंगे नहीं, उसके लिए कुछ व्यवस्था है, उसको मैं अभी आपको आगे बता रहा। इतनी बात क्लियर हुई आपको। आपने बैलेंस शीट के बारे में सुना है, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। बैलेंस शीट क्या होता है बेसिकली, बैलेंस शीट इससे रिलेटेड समस्याएं होती हैं, फिलहाल मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम एक होता है, या ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ये सब समस्याएं हैं, फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, तो वो सब बाद में कभी देखेंगे। बैलेंस शीट का बेसिक मतलब आप समझ लीजिए, जो कि हमारे यहाँ अभी करंट में काम आएगा। बैलेंस शीट क्या होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। किसका होता है, किसी भी कंपनी का होता है बेसिकली, किसी भी इंडिविजुअल का भी हो सकता है। तो यह क्या काम करता है कि किसी कंपनी आमतौर पर कंपनी ही व्यावसायिक गतिविधियां करती हैं। अब अगर एक आदमी का होने का मतलब यह है कि वो आदमी कोई बड़ा आदमी हो, कोई कंपनी वगैरह चला रहा हो, तो किसी कंपनी के एसेट और लाइबिलिटी को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित करता है। किसी की वास्तविक हैसियत या औकात जाननी हो तो आप उसकी बैलेंस शीट को जान लीजिए, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि उसके एसेट और लाइबिलिटी के बारे में जब आपको आइडिया लग जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में सच्चाई क्या है, ठीक। तो ये होता है कि कंपनी के एसेट और लाइबिलिटी को प्रदर्शित करता है। अब होता क्या है बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार के होती है हमारी, और इसमें दो कॉलम होते हैं। एक कॉलम होता है लाइबिलिटीज का जो बाईं ओर होता है, लाइबिलिटीज, और दूसरा होता है हमारा एसेट। एसेट्स में हमने आपको बता रखा है, कई बार बताया है, लोन्स आपके जो होते हैं वो एसेट्स होते हैं, और लाइबिलिटीज जो होती है बैंकों की वो डिपॉजिट्स होती है। ये इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट होती है। अब बैलेंस शीट चेक करना, देखना, पढ़ना, कैसे देखा जाता है, मैं उन सब में नहीं जा रहा हूँ फिलहाल, अब उसकी आवश्यकता भी नहीं है हमको। अब मान लीजिए कि बैंकों के जो लोन है वो वापस नहीं आ रहे हैं, ठीक, कल्पना कर ली आपने, वापस आ नहीं रहे, तभी तो एनपीए बढ़ रहा है। और लोगों ने ये जो पैसे जमा किए हैं उसको भी देना है, ब्याज सहित देना है, तो इससे क्या हो रहा है कि बैंकों का बैलेंस बिगड़ रहा है। एक तो लोन वापस नहीं आ रहे हैं, दूसरे जो उसमें जमा है उसको ब्याज सहित देना है, तो बैलेंस क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। इसे क्या कहेंगे, बैलेंस शीट का खराब होना। ज्यादातर बैंक आजकल के वर्तमान परिदृश्य में किस पर आज सूचीबद्ध है, ये सूचीबद्ध है स्टॉक मार्केट पे सूचीबद्ध है। SBI, BOB, ये सब किस पे सूचीबद्ध है, स्टॉक मार्केट पे सूचीबद्ध है। आप में से मुझे उम्मीद है ज्यादातर लोगों को पता होगा। अब जो आदमी या जो लोग बैंकों के शेयर खरीदते हैं तो वो बैलेंस शीट को ही देखते हैं। किसको देखेंगे, बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट अच्छी है, साफ सुथरी है या खराब है। जब उनको पता चलता है कि इनका एनपीए ज्यादा है, एनपीए क्या है, ज्यादा है, तो वो समझ जाते हैं कि बैंक की बैलेंस शीट खराब है, गड़बड़ है। तो अब एक बात आप हमको बताइए कि जब बैलेंस शीट खराब है, उनको ये पता चल जाएगा, तो वो क्या काम करेंगे कि शेयर मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं और बैंक का शेयर गिर जाता है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो ये चीजें ऐसे लिंक होती हैं। बात क्लियर हुई मित्रों आपको, कॉन्सेप्ट भी आपको पता होने चाहिए, साथ ही साथ फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। तो एनपीए की समस्या भारत में क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसी समस्या से निजात पाने के लिए या निदान पाने के लिए
बैड बैंक की संकल्पना लाई गई, बैड बैंक की अवधारणा प्रस्तुत की गई भारत में, वो भी 2021 में। अब ये बैड बैंक काम क्या करेगा, ये 2 लाख करोड़ तक के एनपीए वसूलेगा। जो बैड बैंक होगा वो कितने लाख करोड़ के, 2 लाख करोड़ तक के। अब जब ये वसूलेगा, और हमने आपको ये भी बताया कि 500 करोड़ से अधिक के मामले में ही ये NARCL अर्थात बैड बैंक काम करेगा, छोटे मोटे होंगे तो ARCs डील करेंगी। जैसे 500 करोड़ से अधिक को इसका वसूलना है, तो अब मान लीजिए कि इसने 1000 करोड़ बैंकों को देगा क्या, इस पर चर्चा करने वाला हूँ मैं। 1000 करोड़ का इसने NPA वसूला, तो इसका 15%, इसका 15% कितना हो जाएगा मित्रों, 150 करोड़ रुपये। 150 करोड़ रुपये ये बैंकों को कैश दे देगा, बैंक को कैश दे देगा। अब बाकी जो 85% बच रहे हैं उनकी रसीदें दे देगा, क्या देगा, रसीदें देगा। और इन रसीदों को कहा जाता है सेक्रेटाइजेशन रिसीट्स, बात क्लियर हुई आपको, सेक्रेटाइजेशन रिसीट्स, जैसे ये बांड जैसे होते हैं जो सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। अब यदि NARCL मान लीजिए कि वो कलेक्शन नहीं कर पाता है, यदि NARCL जो है हमारा वो कलेक्शन नहीं कर पा रहा है, तो फिर सरकार गारंटी देगी, इसमें बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया है कि सरकार जो है वो 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी देगी। कितने रुपए की मित्रों, 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी देगी। और साथ ही साथ जो बुरे ऋण हैं उनके बेहतर मैनेजमेंट के लिए, बेहतर प्रबंधन के लिए एक कंपनी और है जिसको हम लोग कहते हैं IDRCL। इसका पूरा नाम क्या होगा ये भी आप सोच रहे होंगे, बता देता हूं भाई आपको, हर एक शब्द का मतलब यहां पे आपको बताया जाएगा, इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड LTD, ऐसे लिमिटेड हो गया, इसकी भी स्थापना की गई है कि जो फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, ये सब वगैरह वगैरह, उनका भी बेहतर मैनेजमेंट किया जाए। तो इस तरीके से मित्रों आज हमने NPH के बारे में जान लिया, NPA की समस्या को दूर करने के भी जो उपाय थे जो वर्तमान में लागू हैं, जो बंद कर दिए गए हैं उनकी चर्चा मैंने नहीं की है क्योंकि वो अब हमारे किसी काम के हैं नहीं। तो आपसे मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्लास में, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मित्रों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।